सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में सिनेमा हॉल बंद होने और फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने के बारे में बात की। मुंबई में एक कार्यक्रम में मौजूद अभिनेता ने मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। What do you think कि इस सिनारियों से कैसे बाहर आना होगा? Because last week you met the Kashmir governor also and you have discussed about the film industry policy also. So my question is कैसे, what do you think कि इस सिनारियों से फिल्म इंडस्ट्री कैसे बाहर आ सकती है? Would you like me to take this question? Because this is not about banking. I think she's talking about hope. एक्चुअली इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री चाहेगी कि थिएटर खुलें, और जाहिर है थिएटर तभी खुल पाएंगे जब हेल्थ सिचुएशन बेटर हो, जब कोविड पे हम एक कंट्रोल पा लें एज अ सोसाइटी। तो वो कोशिश चल रही है, सरकार भी उसमें लगी है, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। एंड एज वी गेट वैक्सीनेटेड आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। जैसे जैसे हम में से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन में वैक्सीनेट होंगे, चीज़ें होपफुली बेटर होंगी। तब तक आई थिंक कुछ कुछ फिल्में ओटीपी कहते हैं ना, ओटीटी पे आती हैं, और तब तक मतलब आई एम ऑल्सो एज अ फिल्म पर्सन वेरी कंसर्न के सिनेमाज जल्दी खुलें। तो आई होप इन द नियर फ्यूचर थिंग्स विल यू नो गेट बेटर। इवेंट में आमिर के साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी थी। कोविड-19 महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में सिनेमा घर बंद हैं। आमिर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्डा में बिजी हैं। अभिनेता हाल ही में फिल्म के लद्दाख शेड्यूल की शूटिंग खत्म करने के बाद मुंबई लौटे हैं। लाल सिंह चड्डा का निर्देशन सीक्रेट सुपरस्टार के निर्माता अदित्य चंदन ने किया है। फिल्म में करीना कपूर भी हैं। यह फिल्म टॉम हैंक्स अभिनीत 1994 की हॉलीवुड हिट फॉरेस्ट गंप का आधिकारिक रूपांतरण है। आमिर ने मार्च में फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया छोड़ने का फैसला किया था। INS रिपोर्ट।